नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी एक हुंकार से सभी दानवों का विनाश कर सकती हैं, फिर भी माँ सदैव ही शस्त्र अस्त्र धारण करे रहती हैं। हम आपको संक्षेप में बताएंगे कि माँ हमेशा शस्त्र धारण करे हुए क्यों रहती हैं। देवी दुर्गा के स्वरूप के पीछे ये संदेश छिपा है कि कर्म का अपना स्थान होता है, केवल संकल्प मात्र से कार्य सफल नहीं होते। देवी माँ के इतने हाथों का तात्पर्य ये है कि भगवान भी कर्म करते हैं, केवल एक हाथ से नहीं, हजारों हजारों हाथों से और हजारों तरीकों से। माँ के पास दैत्यों का सर्वनाश करने के बहुत से तरीके हैं, वो फूल से भी अधर्मी का विनाश कर सकती हैं। इसलिए देवी माँ अपने हाथों में फूल भी लिए हुए हैं ताकि फूल से ही कार्य हो जाए। शंख का उपयोग माँ ज्ञान प्रसारण के लिए करती हैं। माँ के पास एक से अधिक उपाय हैं। अगर असुर शक्तिशाली हो तो माँ सुदर्शन चक्र का उपयोग करती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि संसार में परिवर्तन के लिए एक ही युक्ति से काम नहीं होता है, हर समस्या के एक से अधिक समाधान हो सकते हैं। इसलिए देवी माँ इतने सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार माँ इतनी दयावान है कि दानवों को भी अपने शस्त्रों के माध्यम से शुद्ध कर देना चाहती हैं, उन्हें मुक्त करना चाहती हैं। इसलिए भी माँ इतने अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।